साहब, हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन टू आने वाला है एंड एवरीवन नोज कि इस सीजन में, यानी इस सेकंड सीजन में हमें क्या देखने को मिलेगा। खून की नदियां बहेंगी, ह्यूमैनिटी शर्मसार हो जाएगी, क्योंकि यहां पर भाई भाई को मारेगा, चचा अपने भतीजे को मारेगा, मतलब आपस में अपने ही परिवार में सगे अपने सगे को मारेगा। ये लड़ाई पूरी देखने को मिलने वाली है। मतलब होली अभी चल रही है, लेकिन ये खून की होली तब खेलेंगे और पूरे सीजन टू में खेलते हुए देखने को मिलेगी। तो भाई साहब, इस सारी चीज़ों का कारण क्या था कि ये लड़ाई इतनी ज़्यादा क्यों इतनी आग बबूला हो गए? अपने ही सगे अपने को, जो एक बार के लिए बचपन में एक साथ खेला करते थे, अब वो अलग हो चुके हैं और अलग इस तरीके से हुए हैं कि एक दूसरे की जान के प्यासे हैं, खून के प्यासे हैं। एक सत्ता यानी सो कॉल्ड गद्दी पाने के लिए बहन अपने भाइयों को नहीं समझ रही है, जो एक ही बाप से जन्माए गए हैं। तो भाई साहब, पास्ट पर लेकर चलते हैं, क्योंकि पास्ट से ही ये कहानी जनरेट हुई है। भाई साहब, पास्ट में वहां पर चलते हैं जहां रेनीरिया टारगेरियन को ये गद्दी दी जानी थी। किंग विसेरिस थे, उनकी पहली औलाद यही थी, और बात ये थी कि भाई साहब, पहली औलाद को ही सत्ता दी जाती है, और अगर प्रजा क्या कहते हैं लेडीज को एक्सेप्ट नहीं भी करेगी, तो उसके द्वारा मतलब जो लेडीज है जिसके साथ जिसको सत्ता मिलनी चाहिए, उसकी पहली जो सन होगा उसको जरूर सत्ता मिलेगी, लेकिन एक कंडीशन ये है कि वो प्योर टारगेरियन होना चाहिए। जो टारगेरियन ब्लड दौड़ रहा है उस बच्चे के अंदर भी, वो खून में मतलब टारगेरियन ब्लड दौड़ना चाहिए, ये कंडीशन थी। तो क्या रेनीरिया टारगेरियन को भाई टारगेरियंस में कोई नहीं मिला था, लेकिन हाँ, वलेरियंस जो सेम ब्लड को फॉलो करते हैं, यानी वो भी ड्रैगन राइडर्स होते हैं, लेकिन उनका कब्जा अर्थ पर नहीं होता है, तो उसने वलेरियन फैमिली से शादी करी थी, और वहाँ गलती ये हो गई क्योंकि जिससे शादी हुई भाई साहब वो गे था और उससे बच्चे आ नहीं सकते थे। दूसरा, फिर वहाँ पर भाई साहब औरत तो औरत होती है, उसे नीड है, तो उसने अपने अंग रक्षक के साथ भाई साहब संबंध बनाए और उससे तीन बच्चे उन्होंने पैदा किए थे। किसने? अपनी रेनीरिया टारगेरियन ने, जिसकी फर्स्ट एंड सेकंड संतान, जो जिसकी वजह से ये जो लड़ाई चलने वाली है बहुत ज़्यादा आग बबूला हुई है भाई साहब, वो सेकंड सन, सेकंड बास्टर्ड सन, जो जिसका नाम है लुसेरेस वलेरियन। और कहते हैं ना भाई साहब कि जो बड़ी जंग होती है या बड़ी वॉर जो होती है, वो कोई एकाध छोटी मोटी गलती से नहीं होती है, वो छोटी छोटी गलतियां जब जमा होती रहती हैं और एक साथ जब वो लावा की तरफ फटती हैं, वो चीज़ हमें देखने को मिली थी लास्ट, जब सीजन वन का लास्ट जब खत्म हुआ था, एमन टारगेरियन वर्सेस ये सेकंड बास्टर्ड सन है लुसेरिस वलेरियन के बीच में। क्योंकि इसकी जो पहली ईएमआई थी, यानी जो पहली लड़ाई हुई थी, वो कहाँ पर हुई थी, जब क्या कहते हैं बच्चे लोग, जो भी टारगेरियंस के बच्चे हैं, जब एक अच्छी फाइन एज में पहुंच जाते हैं, तो वो अपने ड्रैगन्स खुद चुनते हैं, नहीं, ड्रैगन्स उन्हें चुनता है। तो जो प्रिंसेस रेनीरिया टारगेरियन के जो ये बच्चे थे बास्टर्ड सन, उनकी बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाई जाती थी हमेशा। और जो एमंड एंड एगोन टारगेरियन हैं, जो रेनीरिया टारगेरियन के सगे भाई हैं, लेकिन एलिसेंट हाई टावर से ये जो बच्चे पैदा करे गए थे, यानी किंग विसेरस के प्योर ब्लड, जिनमें प्योर टारगेरियन का ब्लड था, जो उनकी ही ब्लड लाइन को फॉलो करते हैं, बट जो बास्टर्ड सन होते हैं वो उनकी ब्लड लाइन को फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि उनके बाल काले होते हैं, और जो टारगेरियंस होते हैं उनके सिल्वर कलर के बाल होते हैं, चमकीले बाल होते हैं, ये है इनकी पहचान। तो भाई साहब, वो कहते हैं कि हम प्योर ब्लड हैं एंड यू आर द बास्टर्ड। तो ये सारी मजाक और आपस में भाई भाई में ये लड़ाई शुरू से ही चलते आ रही थी, छोटी मोटी चीज़ें, वो उनको बुली करते थे, ये जो ये नोकझोंक हुई आपस में बच्चों में ही, और उन्हें लगा कि ये थ्रेटन करने वाले हैं टारगेरियन जो ब्रदर्स हैं। और यहाँ पर लुसेरिस वलेरियन फुल एक्टिव हो गया, क्योंकि वो बहुत छोटा था उस टाइम पर, और ये थे करीबन 12-13 साल के, और वो था अराउंड 6-7 साल का। तो उसे लगा कि भाई साहब ये हमें मारने आए हैं, और उसने पत्थर उठा के सीधे एमन टारगेरियन की आँख पे मार दिया, जिससे वहाँ पर सबसे बड़ी गलती ये हुई थी। और एमन टारगेरियन उसी दिन से भाई साहब खून मतलब बदला लेने की वो रिवेंज वाली भावना, वेंजेंस, वो हर दिन उसके अंदर जनरेट होती गई लुसेरिस वलेरियन के खिलाफ, क्योंकि भाई उसने उसकी आँख खराब कर दी थी, उसका चेहरा खराब कर दिया था। देन लास्ट में जब लड़ाइयाँ चल रही थी, लड़ाई नहीं, अपने अपने लिए मतलब सेना इकट्ठे कर रहे थे, क्योंकि जो रेनीरिया टारगेरियन है वो भाई साहब किंग्स लैंडिंग पे नहीं है, वो वलेरियंस के पास है, वलेरियन फैमिली में, और वहाँ पर जाके ये अपनी अपनी सेना इकट्ठी कर रहे थे कि चढ़ाई करेंगे, क्योंकि वहाँ रेनीरिया टारगेरियन के साथ हुआ है गलत, वैसा उसे कूटनीति के हिसाब से बाहर तो कर दिया गया, और जैसे ही बाहर करा गया
और एगॉन टारगेरियन जो बड़ा बेटा है उसे गद्दी दी गई, सत्ता दी गई। और इसके पीछे बहुत से मास्टरमाइंड का हाथ था। सबसे बड़ा हाथ तो उसके दादा खुद ओटो हाइटावर का था, जो राइट हैंड है किंग का और अब है राइट हैंड एगॉन टारगेरियन का। तो ये सारी लड़ाई भाई साहब वहाँ से थोड़ा 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 जनरेट होके यहाँ पर तक पहुँची थी। और यहाँ जब ये एक उस राजा के पास पहुँची थी कि भाई तुम हमारे साइड से लड़ो, तो एमन टारगेरियन पहले ही अपने ड्रैगन वागार के साथ आ चुका था। देन उसके बाद अपना ल्यूसीरियस वलेरियन जो सेकंड सन था और उससे बड़ा जो सेकंड फर्स्ट बास्टर्ड सन है वो शायद कहीं और गया था ट्रीटी अपने मतलब समन करने के लिए, किसी को अपनी तरफ खींचने के लिए, असेंबल करने के लिए। ल्यूसीरियस वलेरियन जहाँ पर ये पहुँचा था वहाँ पर एमन टारगेरियन भी पहले से वहाँ पहुँच चुका था। और फिर इनके बीच में दोबारा से नोकझोंक होनी शुरू हो जाती है। लेकिन जो राजा कहता है भाई, वो कहता है मेरे दरबार में यहाँ कोई पंगा नहीं चलेगा, अपनी जो लड़ाइयाँ हैं अपने पास रखो, मैं किसी के साथ नहीं आने वाला हूँ। शायद यही उसके वर्ड थे। अगर और भी कुछ है तो अगर आपको पता है तो नीचे बता के जाना जरूर कमेंट बॉक्स में। फिलहाल मेरे को यही याद आ रहा है कि वो किसी के साथ भी नहीं जाना चाह रहा था। और वो जब दोनों बाहर आए तो ये अपने ड्रैगन मतलब ल्यूसीरियस वलेरियन, क्योंकि वो बच्चा ही है और घबराते घबराते अपने ड्रैगन अरेक्स, उसके ड्रैगन का नाम अरेक्स है, शायद वो फीमेल है या मेल है कन्फर्म नहीं है, जरूर बता के जाना। एरेक्स अपने ड्रैगन के ऊपर बैठता है और कहता है कि फोकस करो, यहाँ वहाँ नहीं देखना है और सीधे हमें अपने घर को वापस लौटना है। लेकिन 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 एमन टारगेरियन जो भाई साहब उससे एज में बड़ा है, उसका ड्रैगन वागार और उससे भी बड़ा है, उसका छोटा सा ड्रैगन है वो बड़ा ड्रैगन है, तो भाई वो और भी ज़्यादा बुली करना चाह रहा था। लेकिन उसका कोई इंटेंस नहीं था कि भाई साहब ल्यूसीरियस वलेरियन को यहाँ जान से हाथ धोना पड़े, वो बस परेशान करना चाह रहा था और कुछ नहीं। देन इसी बुली फाइट में जब एरेक्स को यानी ल्यूसीरियस वलेरियन के जो ड्रैगन है उसे लगा कि भाई साहब थ्रेटन हो रहा है, तो वो अपने सेल्फ डिफेंस में वागार पे कर देता है अटैक। और वागार जो भाई फुल ग्रोन मैच्योर है और बड़ा साइज में है, फुल एग्रेसिव है, तो वो हो जाता है फुल एक्टिव और वो यहाँ पर थ्रेटन नहीं करना चाहता है। उसने सीधे भाई साहब एरेक्स ड्रैगन को सजा देने के लिए उसे खा जाता है यानी मार देता है। लेकिन उसे यही कहा पता था कि उसके साथ जो उसका ड्रैगन राइडर है वो सेकंड बास्टर्ड सन है किसका, रेनिरिया टारगेरियन का। जो आग अभी तक चल रही थी मतलब जो ये लड़ाई चल रही है उस आग में ये घी का काम, ये वाला मोमेंट बहुत ज़्यादा तय करके गया है। तो भाई साहब सीजन टू में ये जितनी भी लड़ाई देखने को मिलेगी मतलब ये फैमिली के बीच में ये जो पंगा देखने को मिलेगा, तो इस लड़ाई को और बड़ी वजह देने वाला ये वाला मोमेंट था जो सीजन वन के एंडिंग में हुआ था, ल्यूसीरियस वर्सेस एमन टारगेरियन, जहां पर सेकंड बास्टर्ड सन को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। और यहां पर रेनिरिया टारगेरियन भाई, एक माँ का दिल जब पिघलता है ना तो वह फुल एक्टिव हो जाती है। उसने सीधे ये बोला कि एन आई फॉर एन आई, अ सन फॉर अ सन, भाई साहब जब मेरे बेटे को मारा गया है तो मैं तेरे बेटे को भी मारूंगी, यानी एलिसेंट हाइटावर। और एलिसेंट हाइटावर के चेहरे पर वो टेंस देखने को मिल रहा था, एमन टारगेरियन के चेहरे पर वो टेंस देखने को मिल रहा था, क्योंकि वो यहाँ समझ चुके हैं रेनेरिया टारगेरियन पहले ही खून खाई हुई, लेकिन अब उसे और भी बड़ी वजह मिल गई है किंग्स लैंडिंग पर अटैक करने के लिए, उन टारगेरियंस पर अटैक करने के लिए। और डेमन टारगेरियन जब उसके साथ है, वो डायमंड टारगेरियन जो रेनिरिया टारगेरियन से भाई प्यार करता है, उसका प्यार है, और वो अपने प्यार को ऐसे टेंस में नहीं देख सकता भाई, मजा आने वाला है, बहुत जबरदस्त लड़ाई होने वाली है। तो अगर चलो ठीक है, अगर ये लास्ट का मोमेंट नहीं भी होता ल्यूसीरियस वर्सेस जो क्या कहते हैं एमन टारगेरियन है, तो क्या फिर भी लड़ाई नहीं होती भाई साहब? होती। लेकिन वो जो कीन एंड फाइन वजह इस टाइम पर इनके पास है, ये वाली वजह नहीं होती, मतलब इस लड़ाई को और भी ज़्यादा ब्रूटल, जहाँ पर कोई दया नहीं दिखाई जाएगी, ये वाला मोमेंट बहुत ज़्यादा क्रिएट करके गया है। क्योंकि भाई सबको अंदाजा है, अगर आपने सीजन वन देखा है, गेम ऑफ थ्रोन्स इस यूनिवर्स से आप कनेक्ट करते हो, तो सबको पता है कि भाई साहब हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन टू में आखिर होने क्या वाला है, किस लेवल की लड़ाई देखने को मिलने वाली है। गेम ऑफ थ्रोन्स में सिर्फ तीन ही ड्रैगन थे और तीन ही ड्रैगन ने तबाही मचा डाली थी, लेकिन इस बार भाई दर्जनों के हिसाब से ड्रैगन देखने को मिलेंगे। वलेरियन जो फैमिली है यानी अपनी रेनेरिया टारगेरियन, उसके पाले में ही 5 से 6 ड्रैगन हैं, और यहाँ टारगेरियंस के पास भी कम ड्रैगन नहीं है, उनके पास भी 5 से 6 ड्रैगन्स हैं, और हर एक ड्रैगन राइडर भाई यहाँ ना मैन पावर की लड़ाई नहीं होगी, ड्रैगन वर्सेस ड्रैगन की लड़ाई होने वाली है। तो आपके पास कितने ही मैन, क्योंकि सब तैयार है भाई साहब, आपने ट्रेलर अगर देख लिया तो आपको पता चल गया होगा, इधर टारगेरियंस फुल डिफेंडिंग मोड में तैयार हो चुके हैं, उधर रेनेरिया टारगेरियन के जो भी साइड है वो फिर ऑफेंसिव मोड में तैयार हो चुके हैं, वो चढ़ाई करने वाले हैं। यहाँ पर दोनों ही पाले दमदार तरीके से तैयार हो चुके हैं।
तो ये सारी चीजें भाई साहब सीजन वन में हुई है, ये छोटी छोटी चीजें जो सीजन टू में अभी लड़ाई होने वाली है ये सारा प्लॉटिंग वहां से हुआ है, जिसका सबसे जबरदस्त पार्ट ये क्लाइमेक्स पार्ट ये लास्ट वाला सीन था, जो भाई साहब होश उड़ा दे गया, सभी के होश उड़ा के देके चला गया था। तो आप भी इससे कनेक्ट करते हो, इस यूनिवर्स से कनेक्ट करते हो, तो इसके अलावा और भी क्या पार्ट थे कि इस लड़ाई को और भी ज्यादा बूस्टर कहाँ से मिला है वो भी जरूर बता के जाना। बाकी भाई साहब कौन कौन तैयार है सीजन टू के लिए, इस खोनम खान लड़ाई के लिए, जहाँ पर कोई भी दया किसी को नहीं दिखाई जाएगी, और क्या रेनेरिया टारगेरियन अपना बदला ले लेगी, जो उसने बोला असन फॉर असन, तो कौन कौन चाहता है कि भाई साहब ये दोनों जब आमने सामने हों तो जबरदस्त वाला पंगा हो, डेमन और एमन टारगेरियन, और उसके बाद कौन कौन वेट कर रहा है अभी तक, और ब्लैक वर्सेस ग्रीन, ये ट्रेलर अगर आपने देख लिया है तो जरूर बता दिया ना ट्रेलर का एक्सपीरियंस कैसा रहा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो पर, जय हिंद।